तो गाइस आज है 20th जनवरी और अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला है वी आर प्रेग्नेंट, मतलब ये प्रेग्नेंट है पर जो pregnant. कुछ ये झेल रही है वो साथ में मैं भी झेल रहा हूं। तो वी आर प्रेग्नेंट, हां वी आर प्रेग्नेंट। एंड गाइस ये चीज हमें पता चली थी जब हम थे दिल्ली में और ये हमने पूरा 20 दिन का प्रोग्राम बनाया हुआ था दिल्ली टू बॉम्बे, 20 दिन हम पूरा शूट करेंगे ये सब करेंगे, बट दिल्ली में ही हमें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। और दिल्ली में पता लगा उस टाइम हम बहुत ज्यादा खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यहाँ मुंबई में आके जो दिक्कतें हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। बिकॉज शायद काफी लोगों ने वो वाला व्लॉग देखा होगा जब हम दिल्ली टू बॉम्बे आ रहे थे तो हमारी फ्लाइट डिले हो गई जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुक्ति की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इतना ज्यादा टायर्ड थी उसकी वजह से इसको फीवर हो गया, कोल्ड हो गया और उसके बाद थोड़ा ब्लीडिंग हुई जिसकी वजह से हमने फटाफट दिल्ली में भी गायनो ढूंढी थी और फिर हमने बॉम्बे में आके गायनो ढूंढी और ऑल द वे भी मैं बहुत सारी मेडिकेशन पे हूँ जिसकी वजह से मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं कोई भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि फूडी वी के शूट में मैं नहीं आई, मतलब आप ये मान लो सिचुएशन ऐसी थी कि बाल बाल बचे, मतलब सच में बाल बाल बचे हैं। ये चीज अभी तक हमने घर पे भी नहीं बताई है और हम ऐसे सोच रहे हैं कि उनको ऐसे फोन पे नहीं बताएंगे, उनको एक ऐसा कुछ सरप्राइज टाइप देंगे जो कि उनको भी मजा आए ना दादा दादी नाना नानी बनने में, तो उनके लिए एक सरप्राइज होना चाहिए। और ये वाला व्लॉग आपको बहुत ज्यादा देर बाद देखने को मिलेगा जब सारी सिचुएशन सेफ होगी, एवरीथिंग इज ओके, हम कॉन्फिडेंट है कि सब ओके है, सब आपको ये व्लॉग देखने को मिला। पर रिकॉर्डिंग में करता रहूंगा जो ये नखरे कर रही है ना, जो टेंट्रम्स खेल रहा हूँ मैं, वो सब आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। खुद अब जैसे तुम तेज बोल रहे हो ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा धीरे बोलो क्योंकि मुझे इसमें भी ऐसा थोड़ा वॉमिट टाइप फील। भाई वॉमिट टाइप फीलिंग तो इतनी ज्यादा है ना, मतलब खाने की बात भी करूंगा ना तो भी इसको वॉमिट टाइप। मेरे को पता नहीं, मुझे होम सिकनेस फील हो रही है क्योंकि मुझे घर का खाना नहीं मिल पा रहा है। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा फ्रूट्स और ये सब चीजें खरीद के खा ले, बट घर का खाना मिस कर रही है बहुत ज्यादा। एक और चीज, इसको मीठा बहुत पसंद है और इस टाइम पे ये मीठा भी नहीं खा रही है, भाई साहब सब बदल चुका हुआ है। तो एक बार एक बेस्ट कर दो, कांग्रेचुलेशंस। और मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर वालों का क्या रिएक्ट, मतलब आई डोंट थिंक कि उनको बिल्कुल भी आइडिया होगा। अभी आदित्य और ऐश मुंबई घूमने गए और हमने उनको बोला है कि अगर तुम्हें टाइम मिले कुछ सरप्राइज के लिए ना सामान खरीद लेना। हाँ, क्योंकि हम आज जाना था हमने नहीं, बट मेरी बॉडी मुझे, मैं तैयार भी होगी सब कुछ होगा बट मेरी बॉडी ने अलाउ नहीं किया। आई वाज लाइक नहीं हूं यार, मेडिकेशंस की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत थकावट फील हो रही है मुझे। मुक्ति एक बार ये बताओ तुम्हारे कितने महीने हो चुके हुए हैं? अभी हमने यहाँ पे सोनोग्राफी जो करवाई थी उसमें पता चला, अभी परसों कराई थी ना, इट वॉज 6 weeks 4 days, 6 weeks, मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरा शायद 7th week शुरू हो ही चुका होगा, आई गेस कल से शुरू हो चुका है शायद आज से। बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है ना, बहुत ज्यादा जल्दी। ओह माय गॉड। और जब मुक्ति की सोनोग्राफी करवाई था उसमें पहली बारी हमने बच्चे की हार्ट बीट सुनी और उधर हम कहा संगीत कर, ये मुक्ति की हार्ट बीट है, ये मुक्ति की हार्ट बीट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट थी। यकीन ही नहीं हुआ कि हम अभी खुद बच्चे से, हमारा बच्चा कोई बच्चे नहीं होता, हार्ट बीट भी आ गई। और जब उस दिन मैंने बच्चे की हार्ट बीट सुनी ना, अलग ही फीलिंग थी, सच में अलग फीलिंग थी। और हमारे पास वो रिपोर्ट्स भी नहीं क्योंकि वो हमें लेने जानी पड़ेगी और हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऑल द वे वहाँ तक जाएं। और अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि मुक्ति को हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए देना पड़ता है, नहीं तो इसको वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, नोजिया होता है, कुछ ना कुछ इसको खाने के लिए देना जरूरी है। और नखरे मैडम के बहुत ज्यादा हो गए, मतलब कुछ इसको इसके पसंद का भी दूंगा ना इसे नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा तो कुछ लग ही नहीं रहा, ब्रेड दूं घी लगा के? क्या खाएंगे खुद बता दे, बता ना कुछ कुछ एक चीज की फरमाइश कर दे बस। मुझे सामने रख दोगे तो मैं बता सकती हूँ ये मुझे खाना है या नहीं, कि मुझे खाना या नहीं खाना। एंड एक चीज और, कराने को आज ही टिकट करवा के मैं और मुक्ति वापस जा सकते हैं अपने घर, आराम कर सकते हैं, घर का खाना खा सकते हैं, पर डॉक्टर ने बोला है स्ट्रिक्ट रेस्ट 1 हफ्ते के लिए, तो एयरपोर्ट पे जाएंगे खज्जल खुआरी होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए रेस्ट हम यहीं पे कर रहे हैं। इस इंसान के लिए स्पेशली इसके कहने पे सब्वे मंगाया गया, इसकी पसंद के अनुसार, जिसमें इसकी पसंद की सॉसें और सब्जियां, ऑलिव भी नहीं है इसमें, और इसने भी सिर्फ 1 बाइट ली और शक्ल देखो वॉमिट टाइप हो रहा है, स्वाद लग रहा है। अपने लिए नहीं तो एनर्जी किसी और को भी देनी होगी, मन के हिसाब से नहीं चलना। भाई जबरदस्ती खाई, हाँ मुझे ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगी।
मुक्ति की इस टाइम पे जो फीलिंग है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आपको वॉमिट आ रही है और उसी टाइम पे आपको ये कहा जाए कि कुछ खा लो, कैसा फील करोगे? डिट्टो वही चीज मुक्ति फील कर रही है। एंड डॉक्टर को भी हमने ये बताया था, डॉक्टर ने सीधा सीधा हमें बोला अगर आप नहीं खाओगे ना ये बच्चे को नुकसान नहीं करेगा पर आपको नुकसान करेगा, क्योंकि बच्चे ने जो न्यूट्रिशन लेने है, एनर्जी लेनी है, वो आपके थ्रू चूस के ले लेगा। अगर नहीं खाओगे आप कमजोर पड़ जाओगे। तो एज ए दवाई समझ के मुक्ति को इस टाइम पे खाना खाना चाहिए, इवन दो उसको वॉमिट वाली फीलिंग आ रही है पर अभी तक कुछ बाहर निकला नहीं है। तो मुक्ति ये बस फीलिंग ही है, खा ले, स्वाद नहीं आ रहा। Meanwhile. तो मुक्ति और ओंकार ने मेरे को रेस को भेजा है सरप्राइज लेने के लिए, मम्मी पापा के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए और ओंकार के मम्मी पापा के लिए। क्या सरप्राइज? वो लोग बताएंगे क्या सरप्राइज है। बच्चे का सरप्राइज है कि उनको रिवील कैसे करना है। तो गाइस एक टी शर्ट हो चुकी है हमारी रेडी, आई एम कमिंग सून, नाना नानी, अच्छा लग रहा है ये। नाउ इट्स टाइम फॉर दादा दादी की टी शर्ट। बेबी अमर, ये बड़ी क्यूट है, कस्टमाइज्ड टी शर्ट, इतनी छोटी छोटी है। हाँ, फोटो में फिर भी बड़ी लगती है, निकली है। आई एम कमिंग सून नाना नानी, बस पढ़ ले वो। हाँ, मेहनत तो हुआ है। और ये है आई एम कमिंग सून दादा दादी। इसकी तैयारी तो कर ली हूँ, कर लेंगे, सोच में देता, हो जाएगा। The next day. मैं और दत्ता जो है कर रहे थे शूट और रास्ते में आया हॉस्पिटल जहाँ से मुक्ति की सोनोग्राफी कराई थी। तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो है वो हमने ले ली हुई है, ये घर पे दिखा के सरप्राइज देंगे। पर उससे पहले मुक्ति को दिखा के सरप्राइज देंगे क्योंकि हमने सोचा था ये तो कलेक्ट हो ही नहीं पाएगी। ओए मुक्ति, सरप्राइज, हमारे होने वाले बच्चे की फोटो लाया हूँ। खुश देखो कैसे थे, जैसे कि बच्चे की असली फोटो है। बर्फी खाओ, खुशखबरी, ये बच्चा यही है ना शायद, येलो येलो वो है मेरे ख्याल से, ये मार्क किया हुआ। ओए मेरे बीमार बच्चे, ये ले गाने कर ले, चक दे फटे। तो जी आज फाइनली जाके वो दिन आ चुका हुआ है जब हम मुंबई छोड़ के वापस जा रहे हैं। अभी फिलहाल जाना है दिल्ली, पर आज एक गुड न्यूज नहीं है, बहुत ही बुरी खबर है। मुक्ति की तबीयत रिकवर कर रही थी पर आज फिर से ब्लीडिंग हुई है और अभी डॉक्टर को कॉल करके बोला था, उसने बोला ये अच्छी चीज नहीं है, टेंशन का माहौल बन गया हुआ है, बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रही है मुक्ति। अब बस जल्दी से जल्दी वापस घर पहुंच जाए, वहां पे जाके एक गायनो अपनी फिक्स कर लें जिसको हम आके कंसल्ट करते रहें। टेंशन सच में बहुत ज्यादा है। द नेक्स्ट डे हम आ गए हुए हैं चंडीगढ़ और आज देना है घर वालों को सरप्राइज, और सरप्राइज देने के लिए तैयारी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे हमने कपकेक्स ले लिए हुए हैं जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर देख सकते हो बो बना हुआ है, टेडी बियर बना हुआ है, बेबी लिखा हुआ है, ऐसे है ब्लू और पिंक कलर का, ये प्रेम है। और मैंने ली है ये बास्केट जिसके अंदर अभी मैं थोड़े बैलून वगैरह डालूंगा और जो हमने टी शर्ट खरीदी थी वो डालेंगे और साथ ही साथ डालेंगे वो अल्ट्रासाउंड वाली रिपोर्ट और घर वालों को सरप्राइज करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तब तक करते हैं तैयारी। Hear the birds and see the sun. Side by side. अभी ना सारे घर वाले अंदर हैं घर के अंदर और मैं गाड़ी में से सरप्राइज निकाल के अंदर लेके जा रहा हूँ। ये अपनी बास्केट चेक दो। सरप्राइज को घर के अंदर लाने में थोड़ी सी कलोल कर दी हुई है मैंने, ये केक का डब्बा जो है टेढ़ा हो गया था जिससे थोड़े कपकेक खराब हो गए हुए हैं और मुक्ति को मेरी पैकिंग अच्छी नहीं लगी तो मुक्ति ने फाइनली जाके सरप्राइज बना दिया हुआ है। अब सरप्राइज लग रहा है, मेरा तो वो था पर्दाफाश ही था। क्या कर रहे हो? ऐसा करो इधर आओ, मुक्ति आपके लिए लेके आई है कुछ, आओ आप तीनों के लिए सरप्राइज लेके आई है मुक्ति। आज वो कहाँ जा रहे हो? घर वालों को कोई आइडिया नहीं है कि सरप्राइज क्या है, टोकरी थाली है। मुक्ति ले गई है सबके लिए। तू भी बैठ उधर। आगे भी देखो, आगे भी है।
निकाल लो बाहर। बेबी की फोटो भी है। एक और चीज है नीचे, हमने कहा बेबी की फोटो भी दिखा देंगे। हाँ पता ही वहां पे चला आपको। आप पढ़ दादा बनने वाले हो। एक और चीज है, मुझे लगता है हमारा जो सरप्राइज था वो सक्सेसफुल हो चुका हुआ है, तो मुंह मीठे में अपना ये सेकंड सरप्राइज, ये लो। मुंह मीठा करो। वाह सो स्वीट। ओह दिस इज अ लवली सरप्राइज। अरे नहीं नहीं आप लोग देखने में अच्छे है, खाने में भी ठीक है। आप लोग अभी अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को सरप्राइज देने के बाद अभी हम जा रहे हैं मेरे माता पिता के पास, मेरी जन्मदात्री और जन्मदाता, पापा को क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर मेरे मम्मी पापा को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तुम्हें तो लगता है आइडिया होगा कैसे? मतलब इधर मम्मी पापा को भी नहीं था और उधर भी नहीं होने वाला है, मतलब हमने एक क्लू उनको नहीं दिया, एंड लेट्स सी कि उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। अगर हम सामान लेके जाएंगे तो मम्मी को होगा डाउट, हम ये बोलेंगे हम ना लोहड़ी का गिफ्ट देने आए हैं, रिटर्न गिफ्ट ऑफ लोहड़ी। लोहड़ी का गिफ्ट, लोहड़ी का रिटर्न गिफ्ट देना है। वो तो मैं ले आई थी। नहीं वो फिर से आ गई है। हाँ जी चाची, हाँ जी चाची, हाँ जी। नमस्ते पापा। हो कैसे हो? यात्रा मैं तो ठीक नहीं। नहीं ठीक, मैं तो 5-6 दिन हो गए लंबे से। चलो तब ठीक कर देते हैं। थैंक यू मुक्ति। वैसे तो मेरे को बुखार चढ़ा हुआ है पर अब ठीक हो जाएगा। ऊपर एक ही करके हम निकालेंगे। इस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पढ़ भी दो। ना ना ना। आई एम कमिंग सून। अच्छा। ना ना ना। ना ना ना। ना ना ना। ना ना ना। ना ना ये तो पापा को दिखी क्या होगा क्या? पहला उत्तर ले दो आप। भगवान और दूसरा लिफाफा भी दे दो। सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड थी आज तो मम्मी गेस्ट भी कर रहे थे। मैंने आज मम्मी बोलते कि लोग बोल रहे हैं कि शायद मुक्ति प्रेग्नेंट है। अच्छा मैं मम्मी के पास कर रही हूं। लोगों ने कमेंट पर पढ़ के वो पढ़ लेते हैं। मुक्ति कच्ची होगी। कैसे हो गई है? हेलो मैं ये भी खोलो। मैं लगा क्या तू? तो
गाइस हमारा सरप्राइज घर वालों को ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा था, अनडाउटेडली अच्छा लग रहा था। और ये देख के कार और मैं बड़े इमोशनल हुए और इसके साथ साथ घर वाले बड़े इमोशनल हुए। अभी मेरा स्टेटस ये चल रहा है कि मेरा चल रहा है वीक 11th और अभी भी मुझे बहुत ज्यादा नोजिया है। और भी बीच में मैं नोजिया की मेडिसिन नहीं ले रही थी बट मैं रेगुलर ले रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इट्स टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी और उसे बेटर फील हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे इवनिंग सिकनेस अभी भी है, मतलब मैं कुछ खा रही हूँ तो मतलब आई फील लाइक प्यूकिंग। आई डोंट नो कि कितनी प्रेगनेंट फीमेल्स के साथ नोजिया इतने टाइम तक चलता है बट मेरे साथ अब तक चल रहा है और बीच में हल्के हल्के से चक्कर भी आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी, ओंकार और मेरी एनिवर्सरी वाला डे OMG व्लॉग पे अब तक नहीं बताई है कि लाइक आई एम प्रेगनेंट। और लोग बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, यू शुड हैव डन समथिंग स्पेशल फॉर ओंकार, हाउ कैन शी बी सो मीन। द व्लॉग्स में आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, ओंकार भी मुझे तब रिकॉर्ड कर रहा है जिस टाइम पे मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं ओंकार के लिए कुछ स्पेशल कर पाऊँ, मैं एटलीस्ट घर पे ओंकार के लिए कुछ स्पेशल केक या कुछ बना दूँ। किचन में जब घुसती हूँ तो मुझे वो खाने की स्मेल, मेरे को वो बहुत प्यूकिश फील दे रहा है। एक दिन तो मैं प्रॉपर रोई हूँ, लोगों के कमेंट्स पढ़े मुझे बहुत बुरा लगा। बट आई नो कि आप सबको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो ऑब्वियसली यू विल जज अकॉर्डिंगली। और फूडी वी की वीडियोस जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल से बन पा रही है क्योंकि मुक्ति, ऑल थैंक्स टू मुक्ति गौतम, बिल्कुल ठीक नहीं फील कर रही है। इसको चक्कर आ रहे हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा जल्दी इसकी ड्रेन हो जाती है क्योंकि बहुत ही बड़ा टास्क इसके अंदर चल रहा है, ग्रोइंग अ बेबी, जो कि आसान बिल्कुल नहीं है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग, आई एम स्टिल ट्राइंग जितना हो पा रहा है। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है बट मैं अब बेटर फील कर रही हूँ तो मुझे है कि मैं कुछ काम कर लूँ, वीक का काम कर लूँ बट बहुत स्लो पेस पे कर रही हूँ। जैसे अगर ओम धातु की फैक्ट्री भी जा रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा ना चलूँ। फूडी वीक का जब शूट करते हैं, कल तो मुझे इनफैक्ट फीवर तक हो गया था बिकॉज हमने ज्यादा शूट किया भी नहीं, मतलब मैंने अपने हिसाब से कम किया बट पता नहीं मेरी बॉडी कह रही है सो जा। इसकी वजह से मेरा नजरिया प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज्यादा बदल चुका हुआ है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली एक अपनी मम्मी के लिए कि उन्होंने मुझे कैसे पैदा किया, कितनी मेहनत के साथ। सच्ची में बहुत चैलेंजिंग है, अभी तक सब सही चल रहा है बट इस चीज में मैं ओंकार को ये चीज बोलना चाहूंगी, थ्रू आउट दिस जर्नी ही इज वेरी स्वीट। मतलब जितना ओंकार, इतना मेरे साथ ओंकार कभी भी पैम्पर ओंकार ने मुझे जिंदगी में नहीं किया जितना भी ओंकार ने मुझे पैम्पर किया है। पैम्पर एज इन की तो मुझे कुछ फील होता तो फटाफट रात को उठ के स्पेशल मेरे लिए पानी लेके आएगा, कुछ खाने को लेके आएगा। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ओंकार की केयर। तो गाइस आपने व्लॉग्स में देख ही लिया होगा कि हम थाईलैंड घूम के आ चुके हुए, पर थाईलैंड घूमने जाने से पहले का कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मोहतरमा है ये कर रही है पैकिंग, पर चेहरे पे उदासी बहुत ज्यादा है। कपड़े नहीं आ रहे यार, कपड़े भुक्ति, ये कपड़े तेरे लिए बने ही नहीं है। यू आर नॉट मेंट फॉर दीज क्लोथ्स, मतलब दीज कपड़े डोंट डिजर्व यू, यू डिजर्व बेटर। वहां से शॉपिंग करेगा, ऐसे उदास नहीं होना। आपको दिखा देते हैं हमारा चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, चुन्नी मुन्नी, जो भी है दिखनी शुरू हो चुकी हुई है। कमेंट्स में इतने ज्यादा लोग गेस कर रहे हैं दैट यू आर प्रेग्नेंट। अच्छा भी लग रहा है बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चीज अगर कोई बता नहीं रहा है तो उसका भी रीजन हो रहा है। हाँ, और रीजन जैसे कि अभी इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, कई बार आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो, है ना। हाँ, कभी कभार बीच में ब्लीडिंग हो जाती है और वो ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर को जो हमने चेक करवाया तो मुक्ति के पेट के अंदर सिस्ट है, जिसको क्या बोलते हैं अपना, सबक्यूटेनियस हेमाटोमा है। मतलब ये वर्ड सुनने में थोड़ा ज्यादा खतरनाक लगता है। कोई ऐसे बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं है बट फर्स्ट 3 months में थोड़ा प्रिकॉशन, 3 months हो चुके हुए हैं ऑलमोस्ट। डॉक्टर ने बोला 20 वीक्स तक आपको कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट, बॉडी को एक्सर्ट नहीं करना है। बट अभी जब हम बीच में एक बार मास्टर जी को देखने हॉस्पिटल गए थे तो उस टाइम मैंने ज्यादा एक्सर्ट कर लिया तो उसके अगले दिन पता नहीं वो ब्लीडिंग हो गई है। नो एक्सर्शन फॉर मुक्ति। और ये जो हॉलीडे है इट विल बी लाइक ए हॉलीडे, बहुत ही कैजुअल सा रखना है, लाइट सा रखना है। एक्चुअली जब हमने
प्लान, मतलब ये तो कब से प्लान है ना हमारा, हाँ, ये जो चुन्नू मुन्नू चुन्नी मुन्नी आ रही है ये हमारा इतना प्लान नहीं था, पर ये जो ट्रिप है ये उससे पहले का प्लान था। वैसे तो घर वाले ये बोल रहे थे कि कैंसिल कर सकते तो कर दो, मैंने भी बोला था कि कैंसिल कर देते हैं, पर उनकी कहती की ओके मेरे को ऐसी फील नहीं लेनी है कि दैट आई एम बेड रिडन और समथिंग। मैं मतलब ऑब्वियसली मैं थोड़ा आराम से कर रही हूं जो कर रही हूं, बट इट्स ओके। फाइनली हियर कम्स आवर कैब। बाय मम्मा, बाय पापा। और जी ये आ चुकी है अपनी ट्रेन, हम पहुंच गए हुए हैं। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं हम थाईलैंड, और थाईलैंड मुक्ति को मैं कैसे लेके आया ना मुझे ही पता है, क्योंकि बहुत ही होली होली कछुए के चाल से इसने चल के टर्मिनल वगैरह जो है वो कवर किया है, भाई बहुत औखा था। और यहाँ पे लेन देन का सिस्टम चल रहा है, हम लेके आए थे ये बक्सा जिसके अंदर थे इन क्यूट क्यूट बच्चों के लिए कपड़े, और क्योंकि इन बच्चों के कुछ कपड़े जो है वो इनके साइज के बचे थी, तो ये गगन हमारे लिए लेके आई है। और एक चीज और जो गगन लेके आई है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, वो है ये बेबी कैरियर। तो आई थिंक गगन ने हमारे काफी पैसे जो है वो बचा लिए हुए हैं, जब बेबी होएगा हो गया अपना, बढ़िया हो गया। गगन अगर और भी चीजें हुए ना देने वाली कोरियर करवा देना, तो खुशी बहुत है। तो गाइस थाईलैंड से हम आ चुके हैं सही सलामत वापस, बहुत ही ज्यादा बढ़िया ट्रिप था, मुक्ति सही सलामत रही, थोड़ी सी टायर्डनेस थी बट एवरीथिंग वाज ओके। और अब वापस आने के बाद हम जाने लगे हैं डॉक्टर के पास, एंड आई होप कि आज डॉक्टर खुशखबरी दे दे कि सारा कुछ सही सलामत है, और फिर हम आपके साथ रिवील करें कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ। तो मैडम जी, आर यू एक्साइटेड डॉक्टर के पास जाने के लिए? ऑफ कोर्स। एक्साइटेड या धक 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 हो रहा है दिल में? नहीं नहीं, मेरे को मेन तो यही कंसर्न है कि मेन मेडिसिन जो चल रही है फुल स्टॉप लग जाए सीरियसली, और अभी भी ना डॉक्टर के पास जाने से पहले खाई जा रही है दवाइयाँ। यहाँ बस मेरी रिक्वेस्ट है मेरी दवाइयाँ हटवा दो, क्योंकि मेडिसिन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तो मेरे को चलो हर दिन फील होता ही है, उसके अलावा जब डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन ट्रैवलिंग के टाइम पे 2-3 times कर दी थी, बुरा हाल हो गया उस टाइम पे मेरी बड़ी तबीयत खुश हो गई थी। इनफैक्ट एयरपोर्ट पे तो हमने व्लॉग में नहीं दिखाया कि मैं व्हील चेयर लेके हम ज्यादातर ट्रैवल कर रही थी मैं, बट उस टाइम तो मेरी मेरा पता नहीं बीपी लो हो गया या क्या हो गया, मतलब मैं एयरपोर्ट पे तो इसकी ऐसी हालत हो गई थी कि हम वहाँ पे देख रहे थे एयरपोर्ट पे कहीं पे ये सो सके, 1 घंटा था अपनी फ्लाइट को। आज एक अच्छी न्यूज मिल जाए तो दवाइयाँ वगैरह भी इसकी कम हो जाए। एंड सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इस चीज के लिए हूँ कि जब हम अपनी प्रेगनेंसी रिवील करेंगे उसके बाद हम एक्चुअल में दिखा सकते हैं कि मैं क्या फील कर रही हूँ, ओंकार का फील कर रही हूँ। अभी तो बेचारी का हाल ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ यार, मैं जो फील कर रही हूँ मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ब्लॉग में। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेजॉरिटी जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं इस टाइम पे ओंकार ने ही बनाया, ओंकार की एफर्ट की वजह से ही व्लॉग्स बन पा रहे हैं। ओंकार मुझे लिटरली जब मेरा अच्छा मूड होता है उसी टाइम पे कैमरा मेरे मुंह पे डालता है कि अब तो ठीक फील कर रही है, अब तो कुछ बोल। अदरवाइज मैं अगर अकेली होती शायद मैं व्लॉगिंग करती ना, क्योंकि वो जो मूड स्विंग्स है वो सारा कुछ है वो शायद मैं कैप्चर नहीं कर पाती। मतलब मेरी बीवी ने तो मेरे को इमोशनल कर दिया, मुझे ऐसी फीलिंग दे दी कि जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। थैंक यू। नहीं पर सच्ची बोलूं मूड स्विंग्स वगैरह फिर भी सारा कुछ हो जाता है, झेला जाता है, सब कुछ है। मेन जो दिक्कत थी ना वो थी जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह थी, वो चीज ठीक हो जाए बाकी कुछ नहीं है। डॉक्टर जी के पास हमारा जो विजिट है वो हो चुका हुआ है, और यहाँ पे आदित्य जी भी पधार चुके हुए हैं, और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि सिर्फ 2 हफ्ते वेट करना, उसके बाद अपनी बॉडी बॉडी बना सकती हूँ। ये 2 हफ्ते मतलब अभी और लगेंगे हमें रिवील करने के लिए। पर एक चीज यहाँ पे अच्छी जो होगी है वो ये कि मुक्ति की दवाई जो है वो कम होगी हुई है, जो पहले ये 2 times लेते अब 1 time लेनी है, और 2 हफ्ते बाद वो भी कम हो जाएगी, एंड 2 हफ्ते बाद एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या है। So guys, आज से मेरा 18th वीक स्टार्ट हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो। एंड द गुड थिंग इज दैट कि मैं पहले से बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मेडिसिन जो मैं हर दिन 2 times खा रही थी वो 1 time हो चुकी है, और हो सकता है डॉक्टर अभी मुझे बिल्कुल ही मेडिसिन से हटा दे। तो और पहले से मेरे में थोड़ी एनर्जी भी बेटर है, बेटर फील कर रही हूँ, खाने का मन तो नहीं कर रहा है ऐसे कुछ, बट हाँ मतलब मैं खा पा रही हूँ, नौजिया वगैरह बहुत ज्यादा फील नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट जस्ट बिकॉज हम रेगुलर व्लॉग इस चीज को लेके नहीं कर रहे हैं तो मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, एंड आई होप कि मैं जल्दी हर चीज आपके साथ शेयर करूँ। अभी ना हम आए हुए हैं मुक्ति का अल्ट्रासाउंड करवाने, एंड यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा मतलब वो फोमो फील हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में मैं जा नहीं सकता हूँ, सिर्फ मुक्ति जा सकती है, एंड आज मुझे लगता है गुड न्यूज मिलेगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे रहे थे, उनका कहना है कि प्लेसेंटा डाउन नहीं है, है ना।
और अभी अल्ट्रासाउंड मुक्ति का एक बार ही हुआ था, एक बार ही अभी और होना है क्योंकि बेबी जो है वो आई थिंक सो रहा है। क्या सीन है? नहीं, सो नहीं रहा, वो उल्टा हुआ हुआ है, तो कह रहे हो सारे टेस्टिंग कर पा रहे हैं, तो जब बेबी जब उल्टेगा फ्लिप मारेगा तो उसके बाद फिर वो दूसरी बार बुलाएंगे। और फ्लिप कर देगा, क्या तरीका बताया तो दे? मीठा खाओ, बुला रहे मेरे को, मैं जा रही हूं। बाय 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 बाय, अच्छी न्यूज लेके आ रही है, बेस्ट ऑफ लक। ये अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है ना वो आ चुकी हुई है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अभी हम जाने लगे अपने डॉक्टर के पास, एंड लेट्स सी कि क्या बोलते हैं डॉक्टर। उसके बाद इस व्लॉग को करेंगे हम खत्म, फिर मुक्ति अपनी पूरी जर्नी प्रेगनेंसी की जो है डेली व्लॉगिंग में शेयर करेंगे।